हाँ भाई, मुझे नहीं, मुझे आप ऐसा प्लान बताइए कि जब मेरी एज 60 हो जाए तो 60 से 80 तक मुझे लगातार पैसे आने चाहिए और सारे पैसे मैं ही यूज करना चाहता हूँ। हाँ गुड मॉर्निंग सर, आपके लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर का असिस्टेंट मिस्टर दूत हाजिर है। गुड मॉर्निंग। अरे भाई, आपकी सर्विस तो एकदम सुपर फास्ट है। आप वहां से बात कर रहे हैं, यहां पर आपके मिस्टर दूत तो पहुंच भी गए। फिर भी सर मैं थोड़ा सा लेट हूं। मैं अपने आप को फास्ट तब गिनूंगा जब आप सोचेंगे और मैं हाजिर हो जाऊंगा। क्या बात है भाई। अच्छा भाई, मुझे एक ऐसी स्कीम बताओ कि 68 से लेकर 80 इयर्स तक मुझे लगातार एवरी ईयर पैसे आने चाहिए। सर सब बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे आपको बेसिक चीजें बतानी होगी। ओके, बताइए बताइए। सर सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आप एकदम सही दिशा में सोच रहे हैं। सर हर इंसान के साथ में लाइफ में दो चीज हो सकती है। अगर वो 60 के पहले डेथ होती है तो अर्ली डेथ कहलाती है। अर्ली डेथ होती है तो फैमिली नीड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। और अगर 60 एज हम क्रॉस कर लेते हैं तो बुढ़ापा आ जाता है और बुढ़ापे में हमें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो सर आज मैं आपको चार चीजें बताऊंगा। पहला एंडोमेंट प्लान, जीवन आनंद प्लान, सेटलमेंट ऑप्शन क्या होता है, जीवन आनंद की कुछ खास बातें, और उसके बाद में मैं आपको ये बताऊंगा 60 से 80 तक आपको किस तरीके से एवरी ईयर पैसा मिल सकता है। ठीक है भाई, शुरू करो आप फिर। सर LIC का सबसे बेसिक प्लान है एंडोमेंट प्लान। एंडोमेंट प्लान का नंबर है 914। सर एंडोमेंट प्लान का मतलब होता है एंड ऑफ द टर्म में आपको पैसा मिलेगा। आप कोई भी टर्म सिलेक्ट कर लीजिए एज पर योर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई रिक्वायरमेंट 12 साल के बाद में है या 14 साल के या 18 साल के बाद में, तो आप उस हिसाब से टर्म सिलेक्ट कर लीजिए। तो आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप टर्म सिलेक्ट करोगे, एंड ऑफ द टर्म में आपको पैसा मिलेगा, दैट इज एंडोमेंट प्लान। सर एंडोमेंट प्लान में मिनिमम एज 8 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 55 ईयर्स है। मिनिमम टर्म 12 साल है, मैक्सिमम टर्म 35 साल है। 12 से 35 के बीच में आप कोई भी टर्म सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम प्रीमियम पेइंग टर्म इज टिल द एज ऑफ 75। इसका मतलब अगर कोई 50 साल वाला व्यक्ति ये पॉलिसी लेता है तो वो मैक्सिमम 25 साल का टर्म ले सकता है, 35 नहीं ले सकता, बिकॉज मैक्सिमम प्रीमियम पेइंग टर्म इज टिल द एज ऑफ 75। सर हम एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एज 40 ईयर्स है। अब अगर आप मिनिमम 2,000 रुपीज पर मंथ सेविंग करते हैं तो आपको 5 लाख रुपीज का सम एश्योर्ड मिलता है। 25,000 रुपीज पर एनम में आपको 5 लाख का सम एश्योर्ड मिला। अब इन 20 सालों में क्या होगा, या तो आपका बुढ़ापा आएगा या अर्ली क्लेम आएगा। अगर अर्ली क्लेम आता है तो फैमिली नीड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, बुढ़ापा आता है तो आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। सर अगर इन 20 सालों के बीच में कहीं भी आपको कुछ होता है तो आपकी फैमिली को मिलता है सम एश्योर्ड, दैट इज 5 लाख रुपीज प्लस बोनस, जितने साल हमने प्रीमियम भरा है उतने साल का बोनस। इन केस ऑफ डेथ बाय एक्सीडेंट, वन सम एश्योर्ड एक्स्ट्रा मिलता है। 99% सर कभी किसी को कुछ होता नहीं है, तो ऑन मेच्योरिटी आपको क्या मिलेगा, ऑन मेच्योरिटी आपको मिलेगा सम एश्योर्ड, दैट इज 5 लाख रुपीज प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस, तो टोटल आपको लगभग 11 लाख रुपए के करीब, 10.5 से 11 लाख रुपए मिलते हैं। सर नेक्स्ट प्लान है जीवन आनंद। जीवन आनंद का प्लान नंबर है 915। सर जीवन आनंद इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंडोमेंट प्लान एंड होल लाइफ प्लान। जीवन आनंद में मिनिमम एज 18 इयर्स है, मैक्सिमम एज 50 साल है, 50 इयर्स। मिनिमम टर्म आप ले सकते हो 15 इयर्स, मैक्सिमम टर्म ले सकते हो 35 इयर्स। प्रीमियम पेइंग टर्म इज टिल यू कंप्लीट एज 75। अब सर इसका हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एंडोमेंट का लिया। अगर आप जीवन आनंद 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेते हैं तो आपका प्रीमियम लगभग 30,000 आता है, मंथली 2,500 रुपए। ओके, अब आपकी एज 40 इयर्स है, अब 20 साल तक प्रीमियम भरते हो 2,500 रुपया पर मंथ टिल द एज ऑफ 60। अगर इन 20 सालों में कहीं भी आपको कुछ हुआ तो आपकी फैमिली को मिलता है 1.25 टाइम्स ऑफ सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड आपका 5 लाख है तो 1.25 टाइम्स कितना हो गया, एग्जैक्टली 6.25 लाख रुपीस और प्लस बोनस। ओके, और अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है तो वन सम एश्योर्ड एक्स्ट्रा, मतलब एक्सीडेंट से कुछ हुआ तो 6.25 लाख रुपया प्लस 5 लाख रुपया प्लस बोनस। 99% कभी किसी को कुछ होता नहीं है, तो एंड ऑफ द मेच्योरिटी पे आपको 20 साल के बाद में मिलता है सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस, तो टोटल आपको लगभग 11 लाख रुपए, जो आपको एंडोमेंट में मिला वही यहां मिला, बट एंडोमेंट से 500 रुपए का प्रीमियम आपका यहां पर एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्यों है, दो रीजन की वजह से। पहला रीजन, आपका इंश्योरेंस जो है 1.25 टाइम्स है, वहां पर आपका इंश्योरेंस 1 टाइम्स ही था, 1 सम एश्योर्ड था। दूसरा रीजन ये है, मैच्योरिटी के बाद में भी लाइफ टाइम तक आपका इंश्योरेंस चलता रहेगा,
पूरी लाइफ में आपको जब कभी भी कुछ भी होगा आपकी फैमिली को 5 लाख रुपीज मिलेगा सर। हाँ मैं समझ गया हूँ, जीवन आनंद मतलब जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। इस प्लान में और एक ऑप्शन है कि 60 के बाद में जब आपको मेच्योरिटी मिल जाती है तो 60 से लेके टिल डेथ आपका इंश्योरेंस चल रहा है 5 लाख रुपए का। लेकिन अगर किसी मोड़ पर आपको पैसों की जरूरत हो या आपको लगे कि मेरे बाद में इन पैसों को फैमिली के लिए नहीं छोड़ना है तो आप सरेंडर करके ये पैसे फिर से ले सकते हैं। सर नेक्स्ट हम बात करेंगे सेटलमेंट ऑप्शन के बारे में। सेटलमेंट ऑप्शन एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा आप कोई भी प्लान में आपको जो कुछ भी मेच्योरिटी मिले अगर आप न चाहें तो उस मेच्योरिटी को न लेकर के आप उसको 5 साल में या 10 साल में या 15 साल में डिवाइड करके ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको ये जो 5 लाख रुपए की पॉलिसी में 11 लाख रुपए की मेच्योरिटी आ रही है, अगर आप चाहें तो 11 लाख एक साथ में ले सकते हो, अगर आप चाहो तो उन 11 लाख को आप 5 साल में डिवाइड करके ले सकते हो। LIC आपको विथ इंटरेस्ट 5 ईयर्स में पैसा देगी, अगर आप चाहो तो वो पैसे को 10 साल में ले सकते हो, अगर आप चाहो तो उन पैसों को 15 साल में डिवाइड करके ले सकते हो। सर अब हम 4 प्लान का कॉम्बिनेशन लेंगे, इस तरीके से लेंगे कि फ्रॉम द एज ऑफ 60 टिल द एज ऑफ 85 तक आपको एवरी ईयर 2-2 लाख रुपए आते रहेंगे और लास्ट में लास्ट के 10 ईयर्स में आपको एवरी ईयर 3-3 लाख रुपए आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम 914 20 साल की पॉलिसी लेंगे 5 लाख रुपए की, 914 25 साल की पॉलिसी लेंगे 4 लाख रुपए की, 914 30 साल की पॉलिसी लेंगे 3 लाख रुपए की और 914 35 इयर्स की पॉलिसी लेंगे 5 लाख रुपए की। अब हम 5-5 साल के गैप में ले रहे हैं 20 25 30 35। अब 20वें साल पे जो हमें मेच्योरिटी आएगी उन पैसों को हम 5 साल में डिवाइड करेंगे, ओके 25वें साल में जो पैसे आएंगे उनको भी हम 5 साल में डिवाइड करेंगे, LIC हमें एवरी ईयर पैसा देगी। 30वें साल में जो पैसा आएंगे वो भी आपको LIC एवरी ईयर पैसा देगी और 35th ईयर पे जो पैसा आएगा क्योंकि वो फाइनल मेच्योरिटी है उसको हम 10 ईयर्स में डिवाइड करेंगे तो एवरी ईयर LIC आपको 3-3 लाख रुपए देगी। तो दोस्तों ये फिगर्स इस तरीके से होंगे, एट द एज ऑफ 61 आपको 2,11,000 रुपए 5 साल तक आ रहे हैं, ठीक है उसमें से आप प्रीमियम भरोगे जिस जो बैलेंस प्रीमियम है तो आपके हाथ में आ रहा है नेट 1,68,000 रुपीज पहले 5 साल तक। दूसरे 5 साल में आप देखोगे 2,34,000 आपके पास एवरी ईयर आ रहा है 5 सालों तक, लेकिन आप उसमें से प्रीमियम भर रहे हो 18,000 रुपया तो आपके हाथ में आ रहा है 2,08,000 रुपया 5 साल तक। नेक्स्ट 5 ईयर्स आप देखोगे 2,19,000 रुपया एवरी ईयर आ रहा है नेट, ग्रॉस आ रहा है 2,35,000 माइनस प्रीमियम 2,19,000 रुपीज और लास्ट के 10 साल में देखिए कोई प्रीमियम लायबिलिटी नहीं है आपको 3,11,000 रुपया एवरी ईयर आ रहा है तो टोटल आपको 25 सालों में 60 लाख रुपया है। अगर आप एवरेज करोगे तो पर ईयर एवरेज आपको 2.5 लाख रुपया आया है। यही सेम कॉम्बिनेशन सर आप जीवन आनंद प्लान में भी ले सकते हो। जीवन आनंद प्लान अगर आप लेते हो तो महीने के 6,000 की जगह ये हो जाएगा महीने का 7,000 रुपया। यही सेम रिटर्न्स आपको जीवन आनंद में मिलेंगे, थोड़े से रिटर्न्स ज्यादा मिलेंगे बट डे वन से आपका रिस्क कवर 17 लाख नहीं रहेगा, 17 लाख की जगह पे वो हो जाएगा 17 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.25 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली 21.5 लाख रुपीज का डे वन से आपका इंश्योरेंस होगा विच विल बी इंक्रीजिंग एवरी ईयर। मेच्योरिटी उसी प्रकार आपको आएगी जैसे एंडोमेंट के लिए आ रही है बट इसमें आपको सर एक एडिशनल एडवांटेज है। एडिशनल एडवांटेज क्या है, जिंदगी के बाद भी मतलब मेच्योरिटी का पैसा लेने के बाद में भी आप योर इंश्योरेंस इज कवर्ड फॉर 17 लाख फॉर द होल लाइफ। इसका मतलब 85th ईयर पे जब आप फाइनल पैसा लेते हो उसके बाद में यू आर कवर्ड फॉर 17 लाख बट अगर आपको और पैसों की जरूरत पड़े तो आप वो चारों पॉलिसी जो आपने लिए 20 25 30 35 साल की वो चारों पॉलिसी को सरेंडर करके पैसा ले सकते हो। 17 की जगह पे आपको 15 लाख मिलेगा या 14 मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन कि आप कब वो पॉलिसी सरेंडर करते हैं। तो सर इसी तरीके से अगर आपको एंडोमेंट प्लान के बारे में पता है, अगर आपको जीवन आनंद प्लान के बारे में पता है, अगर आपको सेटलमेंट ऑप्शन के बारे में पता है और अगर आपको ये भी पता है कि जीवन आनंद की मेच्योरिटी के बाद भी आप चाहो तो अपनी जो गारंटीड रिस्क कवर है उसको सरेंडर करके आप पैसा ले सकते हो, अगर ये 4 चीजें आपको पता है तो आप अपने हिसाब से प्लान बना सकते हो, अपने हिसाब से प्लान डिजाइन कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपको कितने साल पैसा चाहिए, कितने साल पेंशन चाहिए, कौन से साल से पैसा आना चाहिए, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए, अब मुझे 6,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से प्रेजेंटेशन आप मेल करें। सर इसके लिए आपको मेरे बॉस या आपके LIC एजेंट को कॉल करना होगा। हाँ मैं भूल गया फिर गायब हो गया। दोस्तों अगर आपको मिस्टर दूध की बातें अच्छी लगती हो, उनकी दी हुई इंफॉर्मेशन अच्छी लगती हो
तो उनके इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और उनके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और राइट साइड में एक बेल बटन है, उस बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो इमीडिएटली नोटिफाई हो।